हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप? आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। हम आपके लिए लेके आ गए फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 115। उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछले एपिसोड को देख लिया होगा, क्योंकि अगर उसे मिस कर दिया है तो सच में आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। खैर, हम करते हैं फटाक से उसका रिकैप, जिससे इस एपिसोड को जल्दी से शुरू कर सके। पिछले पार्ट में हमने देखा था घमसान युद्ध। एक तरफ होती किंग ज्वालिंग की टोली और दूसरी तरफ मेड्यूसा ट्राइब थी। और सेवन करोड़ हेवन सोलोइंग पाइथन, जो की मेड्यूसा टेम्पल की वॉल से बाहर आया होता है। हमने उसे याओशिन के हाथों इंजर्ड होते हुए देखा था। लेकिन फिर हम जानते हैं ट्रिपल आई फर्नेस पीपल की पावर्स के बारे में, क्योंकि उस छोटी सी बच्ची शेंगियान ने अपनी पीपल्स को एक्टिवेट करके सेवन करोड़ हेवन सोलोइंग पाइथन को पूरी तरह से हील नहीं किया होता, बल्कि उसकी स्ट्रेंथ 9 स्टार 2D के पीक पे भी पहुंचा दी होती है। बात वैसे ऐसी थी कि किंग ज्वालिंग इस बार फुल प्लानिंग के साथ आया था। वो एक्टिवेट कर देता है अपने अंदर की होली फ्लेम पावर को, जो की असल में उसकी नहीं होती, लेकिन वो किस टेक्निक का इस्तेमाल करके उसे टेम्परेरी यूज कर रहा था। इस होली फ्लेम ने फ्लेम ड्रैगन का शेप लेके उस सेवन करोड़ हेवन सोलोइंग पाइथन से फाइट करना शुरू कर दिया था। स्टोरी में आते कई ट्विस्ट एंड टर्न्स, जिनके बारे में आप पिछले एपिसोड को देख के समझ सकते हो, बट एंड में बस इतना समझ लो कि किंग ज्वालिंग की होली फ्लेम के उस ड्रैगन ने सेवन करोड़ हेवन सोलोइंग पाइथन को निकल लिया होता है। और क्योंकि एक असली क्रिएचर नहीं होता, ये बस सेवन करोड़ हेवन सोलोइंग पाइथन का एक अवतार होता है। जैसे किंग ज्वालिंग, ईमो और ज्वानमो ने मिलकर इसे हराया था, मेड्यूसा टेम्पल के अंदर से एक एंशिएंट आवाज बाहर आती है। वो आवाज कहती है टेम्पल गार्डियंस को हराने वाले तुम एंटर कर सकते हो टेम्पल में। फिर एक लाइट ने इन तीनों को अपने अंदर खींच लिया था, और इस तरीके से किंग ज्वालिंग का ग्रुप इस बैटलफील्ड से गायब हो जाता है। अब चलो हम आगे की स्टोरी को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमारा ध्यान गया था जियान के ऊपर। सेम उसकी आंखें एक्सट्रीम लेवल के शौक से भरी होती है। वो कहता है तो सेवन करोड़ हेवन सोलोइंग पाइथन की रेमिनेंट सोल को किंग ज्वालिंग ने हरा दिया। वो जानता था की वो हेवन सोलोइंग पाइथन कितनी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ को पजेस करता था। जियान के एक्सप्रेशन सोलम होते हैं। वो कहता है लगता है किंग ज्वालिंग की स्ट्रेंथ 9 स्टार 2D के 6 स्टैंडर्ड तक पहुंच चुकी है। लॉन्गी, जो कि जियान की एंशिएंट रूलर के अंदर होते हैं, वो कहते हैं भले वो सेवन करोड़ हेवन सोलोइंग पाइथन बस एक रेमिनेंट सोल रह गया हो, भी उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। जियान पूछता है सीनियर लॉन्गी, उसको क्या लगता है अगर आप एक्शन लेते हो तो क्या आप चिंग टियान और शेफू को रोक पाओगे? लॉन्गी कुछ समय तक दोनों को ऑब्जर्व करने के बाद बोलते हैं वो टेम्पल गार्डियन ओल्ड वुमन शेफू हाफ इमोर्टल की स्ट्रेंथ को पोजेस करती है, इस वजह से उससे फाइट करते समय मेरे जीतने के चांसेस 30% से ज्यादा नहीं होंगे। वहीं पे चिंगटियन की स्ट्रेंथ है 2D के पीक पे, उसे हराने के मेरे 50-50 चांसेस हैं। लॉन्गी की बात को सुन के जियान स्टार्टर हो गया था। वो जानता था कि एक समय लॉन्गी की स्ट्रेंथ 2 शैन लेवल पे थी। वो भले ही सोल फॉर्म के रूप में रह गए हो, भी चिंगटियन के खिलाफ उनकी 50-50 चांसेस ये कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी बताते हैं। लॉन्गी कहते हैं तुम मुझे ऐसे मत देखो, मैं चिंगटियन के अंदर एक अनयूजुअल पावर को सेंस कर पा रहा हूँ। ये पावर मुझे भी डेंजर फील करवा रही है। जियान कहते हैं लगता है इस ओल्ड मैन चिंग टियान को ड्रैगन लविंग लीजन का कैप्टन ऐसे नहीं बनाया गया। जियान जानता था कि लॉन्गी ने अपनी स्ट्रेंथ को लगभग हाफ इमोर्टल लेवल तक रिकवर कर लिया होगा, इस वजह से वो इस समय जियान के सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड होते हैं। वो फिर से अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को फोकस करता है बैटलफील्ड की तरफ। इससे पहले जियान ध्यान मग्न हो पाता के कानों में जाती किसी की आवाज। वो फिर से अपने फोकस को वापस लेता है। जियान कहता है टैंग टैंग। टैंग टैंग कहती है हाँ ये मैं ही हूँ। इस समय टैंग टैंग के चेहरे पे थोड़ा एक्साइटमेंट देखा जा सकता था। वो कहती है जियान ज्वालिंग रॉयल फैमिली और मेड्यूसा ट्राइब की फाइट एंड होने जा रही है, तो क्या तुम हमारे साथ मेड्यूसा टेम्पल में एंटर करने में इंटरेस्टेड हो? ये सुनकर जियान की आंखें तुरंत ही नैरो हो गई थी। वो कहते मेड्यूसा टेम्पल में एंटर करना? ये सुनकर जियान ने जस्ट उस मेड्यूसा टेम्पल की तरफ देखा था। ऐसा लगता है अचानक से उसे 440 बोल्ट का झटका लग गया हो। हम उसके एक्सप्रेशन को शिफ्ट होते हुए देखते हैं। वहीं पे ब्लड ब्रेड मर्सरी ग्रुप, जो की टेम्पल को ऑब्जर्व कर रहा होता है, अब इन सभी की रूहें भी कांप गई होती है। वो कहता है इस टेम्पल के साथ आखिर हो क्या रहा है? जियान फाइनली अपने सिर को हिला के बोलता है इस मेड्यूसा टेम्पल में बहुत सारी मिस्ट्री छिपी हुई है और हमारी स्ट्रेंथ अभी वहां नहीं पहुंच पाई है जो हम उन पावर्स का सामना कर सके। टैंग टैंग इग्नोर करके कुछ डिसीजन लेने के बाद बोलती है अगर ऐसी बात है तो हमें अपने कोऑपरेशन को यही खत्म करना होगा, क्योंकि हमारे मर्सरी ग्रुप के पास एक नया गोल है। ये कहने के बाद टैंग टैंग बड़े से पाउच को बाहर निकालती है, जिसे जियान को दे दिया गया था। जियान भी समझता है कि टैंग टैंग क्या सोच रही होगी। वो काम आवाज में कहता है ठीक है कैप्टन टैंग टैंग, मैं समझ गया, चलो हम यहाँ से अपने अपने रास्ते पे जाते हैं। लोगों की आंखों में मेड्यूसा टेम्पल ऐसा खजाने का भंडार था जिससे वो तुरंत ही माला माल हो सकते हैं। टैंग टैंग थोड़ा हेस्टेट करने के बाद बोलती है बाय द वे हो सकता है कि डेजर्ट में वो हो, इसकी तुम तलाश में हो। ये सुनके विजयन हल्के से नॉड करता है। तभी जियान के बगल में खड़ा लिटली पूछता है बिग ब्रदर अब क्या, हमें अब कहाँ जाना चाहिए? जियान कहता है इस डेजर्ट में मुझे कोई चीज बुला रही है और मुझे वहाँ जाना ही होगा। लिटली कहता है तो चलो जल्दी करते हैं। जियान स्माइल के साथ बोलता है पहले हम म्यूफंग और बाकियों के साथ मिलेंगे, वैसे भी ज्वाले रॉयल फैमिली और
मेड्यूसा ट्राइब के बीच का ड्रामा, ये बस इंटरेस्टिंग ही हो रहा है। अपनी पावरफुल परसेप्शन से जियान सेंस कर पा रहा था कि कई पावरफुल औरे इस जगह पे पहुंच ही रहे हैं। ये मोस्ट लाइकली मेड्यूसा क्लैन के रीइंफोर्समेंट्स होंगे और इन स्नेक एक्सपर्ट्स के आने से ज्वेलिन रॉयल फैमिली की हालत और भी खराब हो जाएगी। दूसरी तरफ टैंक टैंक की टीम में अलग ही डिबेट चल रही होती है। वो स्कारफेस वो यू पूछता है, कैप्टन क्या हम सच में इस डेजर्ट को छोड़ रहे हैं? इस रेगिस्तान में एक बहुत ही जरूरी चीज रह गई है। टैंक टैंक लेकिन डिसाइड कर चुकी थी, वो कहती है डेजर्ट मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है और मेड्यूसा क्लैन का टेम्पल ज्यादा पोटेंशियल रखता है, इस वजह से हम रेगिस्तान को जाने देंगे। कायोटी बोलता है, लीडर लेकिन आपने जियान को इसके बारे में वार्न क्यों नहीं किया? अगर उसकी टीम को कुछ हो जाता है तो फैक्शन पवेलियन हमें ब्लेम करेगा। ये सुनकर टैंक टैंक अपने सिर को हिलाती है। वो कहती है हमारे सामने भी बड़ा गोल है। जब ओल्ड स्नेक रियलाइज करता है कि मेड्यूसा टेम्पल में पहले कोई एंटर कर गया है, हम उस बुड्ढे के एक्सप्रेशन को डिस्टॉर्ट होते हुए देख सकते हैं और इसे चिढ़ाती हुई चिंगटियान कहता है, हे ओल्ड स्नेक, मैंने तुमसे पहले बोला था मेरी ज्वेलिन रॉयल फैमिली के पास ज्यादा अच्छे टैलेंट्स हैं, आखिर तुम्हारी मेड्यूसा ट्राइब हमसे कैसे कंपेयर करी जा सकती है? चिंगटियान की बात को सुनकर शेफू के एक्सप्रेशन भी डार्क हो चुके होते हैं। वो कहती है मेड्यूसा टेम्पल में एंटर करना ये सबके लिए अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन बुड्ढा चिंगटियान इसकी परवाह नहीं करता। उसे किंग ज्वेलिन यिमो पे काफी भरोसा होता है और उसे भरोसा होता है उस पावर पे जो कि किंग ज्वेलिन की बॉडी में छिपी हुई है। वो अपने हाथ क्लेंच करके बोलता है, ठीक है चलो हम अपने मामले को सेटल करते हैं। तुरंत अपनी लाइफ और डेथ की एनर्जी को हाथ में इकट्ठा करके वो दूसरों की तरफ शूट करने लगा था। शेफ भी हम करके बोलती है, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि हाफ इमोर्टल और दूधी क्लास में स्टैंड गैप कितना बड़ा होता है। तुरंत ही शेफू के हाथ की जो कीन थी, कीन मतलब होती है वो डंडी, जिसका सर स्नेक जैसा था, अचानक से उसमें से टेरिफाइंग और रेडिएट होने लगता है। ऐसा लगता है कोई बीस्ट जाग रहा हूँ। ओल्ड मैन चिंटियन तुरंत ही सेंस करता है कि शेफू के चारों तरफ का वो लाइफ और डेथ हो रहा और भी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। इस मिस्टीरियस पावर को टैप करके ओल्ड वुमेन शेफू की जुर्रियां भी सही होने लगी थी, ऐसा लगता है वो फिर से जवान होने लगी हो। शेफू एक आवाज में कहते हैं, शाओलू जो कि अपनी ग्रीन स्नेक के फॉर्म में फैनी और ज़ोनमिंग जैसे एक्सपर्ट से फाइट कर रही होती है, हम उसे तुरंत ही रिएक्ट करते हुए देखते हैं। उसकी इनॉर्मस बॉडी तुरंत ही शेफू की तरफ आगे चली गई थी। इस ग्रीन सरपेंट को आखिरी टाइम पे गायब होते हुए देख ज़ोनमिंग और फैनी दांत ही मिस लेते हैं। इनकी फ्रस्ट्रेशन से भरी नजरें जाती है बैटलफील्ड की तरफ। इनका स्पेशली ध्यान गया था ओल्ड स्नेक के ऊपर, क्योंकि अभी युद्ध के मैदान में काफी बड़ा खतरा है। सीन वापस से लौटा था शेफू की तरफ। अभी वो ग्रीन स्नेक के ऊपर खड़ी होती है जो कि शाओलू होती। उनके शरीर में से बाहर आने वाली वो ऊर्जा सिर्फ शाओलू के घाव को सही नहीं कर रही थी बल्कि उसके ऑरे को राइज करवा रही होती है, और इसे देख के चिंटियन की इंस्टिंक्ट्स चीखने लगती है। साफ तौर पर बड़ा खतरा है। शेफू कहती है, चिंटियन तुम्हारी वजह से मुझे उस स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना पड़ रहा है जिसे मैंने ज्वेलिन रॉयल फैमिली के खिलाफ कभी यूज नहीं किया है। ये सुनकर चिंटियन की आंखें नैरो हो जाती है। वो कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो मैं भी देखना चाहूंगा कि अंत में कौन हंसता है। तुरंत ही शेफू ने एक इशारा किया था, वो ग्रीन स्नेक जो उनके पैरों के नीचे थी, हम उसकी बॉडी को तेज से श्रिंक होकर एक हाथ के बराबर होते हुए देखते हैं और ये अंत में जाके मिल जाती है उस केन से जो कि शेफू के हाथ में थी। जैसे इस वुडन केन में और शाओलू की स्पिरिट मर्ज हुई थी, इन दोनों के फ्यूजन से एक टेरिफाइंग एनर्जी क्रिएट हुई होती है। इस पावर को सेंस करके चिंटियन के गूज़बम्प्स फैल गए थे। चिंटियन कहता है, ये इमोर्टल वेपन और उसकी स्पिरिट है। अब जब उसकी आंखें उस लकड़ी को देख रही होती है जिसमें से हरा काला और सफेद और रेडिएट हो रहा था, तो चिंटियन को फाइनली लगता है कि इस बैटल में उसकी जान भी जा सकती है। बिना हेजिटेशन के शेफू ने अपनी वुडन केन को हवा में थोड़ा आगे बढ़ा दिया था। बूम 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 की आवाज के साथ स्पेस के परक अच्छे उड़ जाते हैं। ऐसे गहरे थ्रेड को रियलाइज करके चिंटियन भी बिना हिचकिचाए अपने हाथ पे एक लाल रंग की पिल को समान करता है। इस पिल को उसने तुरंत ही निकल लिया था। ऑलमोस्ट इंस्टेंटली उसकी बॉडी की पावर भी ऐसा लगता है कई गुना मल्टीप्लाई हो गई हो। उसके शरीर के चारों तरफ घूम रही उस लाइफ और डेथ एनर्जी के साथ साथ एक लाल रंग की फ्लेम भी घूमती है। इस फ्लेम की हीट के सामने स्पेस भी डिस्टॉर्ट हो रहा होता है। शेफू ने सोचा नहीं था कि दूसरी पार्टी की तरफ से ऐसा काउंटर अटैक होगा। वो बुढ़िया कहती है, कैसी फ्लेम है? ये बात तो सब जानते हैं कि इन टाइप की फोर्सेस के लिए यंग टाइप की फोर्सेस सबसे खतरनाक होती है, और क्योंकि शेफू की एनर्जी होती है ठंडी, ये फ्लेम उसे सप्रेस कर सकती थी। दूर खड़ा जियान का ग्रुप भी इसे ऑब्जर्व कर रहा होता है। चिंटियन को देख के लिटली कहता है, वो कोई सिंपल पिल नहीं थे बल्कि उसे टेरिफाइंग रॉ फ्लेम्स को कंडेंस करके बनाया गया था। मुझे लगता है ये बुढ़ा चिंटियन अपनी जान की बाजी लगा रहा है। अभी जियान के चेहरे पे भी सॉलम एक्सप्रेशन होते हैं। वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से ढक लेता है तीनों लोगों को। जियान कहता है, जैसे सिचुएशन एस्केलेट होती है हम एक्शन लेंगे। जब ये तीन टेरिफाइंग पावर्स कंबाइन होती है, बुढ़े चिंटियन का ऑरा भी राइज हो गया था। इस समय ऐसा लगता है जैसे एक तरफ तो आधा आसमान हरे रंग के डीमन से भरा हुआ है और दूसरी तरफ फ्लेम के ड्रैगन्स डांस कर रहे हैं। ये नजारा बहुत ही स्पेक्टेकुलर होता है। इस युद्ध के मैदान के किनारे पे समय रेस कर रहे थे दो फिगर्स। इनमें एक तो वो छोटी सी लड़की होती है, दूसरी
करी थी ब्लू एंड व्हाइट स्नेक, जिसका नाम शॉकिंग भी होता है। जब ब्लू एंड व्हाइट स्नेक शेफू की कंपनी स्पिरिट को उसकी केन से मर्ज होते हुए देखती है, उसके चेहरे पे शॉक का पेयर हुआ था। वो कहती है ये जी ऑफ पाइथन स्टाफ है। ये सुन के चिंग यानी अपने डेलिकेट चेहरे को और भी ऊपर की तरफ करती है, जिसे आसमान का सीनों से और भी अच्छे दिखाई दे सके। चिंग यांग कहती है जी ऑफ पाइथन स्टाफ। इसके रिप्लाई में ब्लू एंड व्हाइट स्नेक ने नॉड किया था। वो कहती है हाँ, तुम्हारे मेड्यूसा क्लैन में जी ऑफ पाइथन स्टाफ ये सबसे रेयर वेपन में से एक है। कहा जाता है कि वेपन हमारी रेस के एक पावरफुल दो इमोर्टल का था। इस वेपन को अपने हाथ में लेके हमारे उस एंसेस्टर ने यानी कि ने दोशियन एक्सपर्ट्स को निस्तनाबूत कर दिया। अभी चिंग यांग कंफ्यूज होती है उस ग्रीन स्नेक के बारे में जो कि उस स्टाफ में चला गया होता है। वो पूछती है लेकिन सीनियर ग्रीन स्नेक के बारे में क्या? ओके, तुम्हारा एक डाउट क्लियर कर देते हैं। जैसे बूढ़े लोग अपने हाथ में डंडी को लेकर रखते हैं, उसे अंग्रेजी में बोल सकते हो वुडन केन। अगर यहाँ पे कहा जा रहा है स्नेक शेप्ड वुडन केन, तो इसका मतलब है कि उस केन के ऊपर स्नेक की शेप होगी। और अंग्रेजी में स्टाफ भी एक डंडे को बोला जाता है, जिससे नालायक लोगों की कुटाई करी जाती है। अभी समझ गए होगे, चलो हम करते हैं वीडियो को कंटिन्यू। ब्लू एंड व्हाइट स्नेक शॉकिंग और चिंगयान इस बैटल फील्ड से पीछे जा रहे होते हैं। वो चिंगयान को बताती है कि सीनियर ग्रीन स्नेक सिर्फ हमारी शेफू की कंपनी स्प्रिट ही नहीं है, बल्कि वो जी ऑफ पाइथन स्टाफ की वेपन स्प्रिट भी है। लगता है इस बैटल में हार और जीत डिसाइड हो जाएगी, लेकिन मुझे चिंगयान की भी तारीफ करनी होगी। ये ओल्ड मैन सच में ड्रैगन लविंग लीजन के सबसे पावरफुल एक्सपर्ट्स कहलाने का वर्ड दिया है। इसने मास्टर को जी ऑफ पाइथन स्टाफ को यूज करने में मजबूर कर दिया है। सीन वापस से चिंगयान की तरफ लौटता है। वो शेफू की तरफ देख के बोलता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारे वेपन मेरी जान ले पाएगा? शेफू जी ऑफ पाइथन स्टाफ को हल्के से झटका देती है। वो कहती है क्यों ना इसके बारे में अभी पता लगाया जाए। जैसे जी ऑफ पाइथन स्टाफ हल्का सा हिलाया गया था, इसमें से हैवी ऑरा एक्सप्लोड होता है। शेफू कहती है जी ऑफ पाइथन स्टाफ की स्प्रिट बाहर आओ। उन्होंने अपने स्टाफ को आगे की तरफ कर दिया था। अचानक से स्पेस ट्रेम्बल होता है और उस स्नेक शेप्ड केन के अंदर से 100 मीटर बड़ी रोशनी बाहर आती है। इसमें सिर्फ वो लाइफ और डेथ ऑरा ही नहीं था, बल्कि हमें एक हरे रंग के पाइथन और एक ड्रैगन को लिपटे हुए देख सकते हैं, जो कि चिंगटियान की तरफ आगे बढ़ गया था। ट्रैक की आवाज के साथ स्पेस के टुकड़े टुकड़े हो गए थे और ये टैक्सी सीधा उसमें एंटर कर जाता है। दूसरी तरफ जो ओल्ड स्नेक जो कि एक 9-star 2D 4-ton के पावर हाउस होते हैं, उन्होंने जस्ट ज्वालनी रॉयल फैमिली की फोर्सेस को एक अटैक में पीछे किया होता है। तभी इनकी नजर जाती है स्टाफ के ऊपर। ओल्ड स्नेक किंग के चेहरे पे भी शॉक अपीयर होता है। वो कहते हैं जाओ पाइथन स्टाफ। कहा जाता है कि शेफू ने जाओ पाइथन स्टाफ का इस्तेमाल करके एक हाफ इमोर्टल लेवल के एक्सपर्ट की भी जान ली है। अगर वो इस बैटल में से इस्तेमाल कर रही है तो लगता है ये बैटल जल्दी खत्म होगी। मेलन भी जानता था कि शेफू और चिंगटियान दोनों ही क्रिटिकल जंक्शन पे हैं। हालांकि उसे कॉन्फिडेंस होता है शेफू के ऊपर, लेकिन तब भी जो भी पहले हारेगा जीत उसके हाथों से निकलती हुई दिखाई देगी। इस वजह से चार्मिंग स्नेक ट्राइब का लीडर मेलन चिल्ला के बोलता है ओल्ड स्नेक हमें जल्दी फिनिश करना होगा, वरना अभी ओल्ड स्नेक किंग का चेहरा भी सॉलम था। बिना हिचकिचाए वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करने लगते हैं। भले ही उनकी स्ट्रेंथ अपने अपोनेंट से काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन उनके दुश्मनों के नंबर्स और उनके कोऑर्डिनेशन की वजह से उनके अटैक लगातार बढ़ जा रहे थे। इस वजह से अभी तक किसी की जान नहीं गई होती और ये चीज ओल्ड स्नेक किंग के लिए काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होती है। डच इंडियन जिसकी बॉडी में से बूम बूम की आवाजों के साथ फ्लेम्स के वोल्केनिक इरप्शंस जैसे हो रहे होते हैं, वो कहते हैं टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस एक 2 mortal लेवल के पावर हाउस की बराबरी कर सकती है। लेकिन अफसोस की बात है ये कहके वो शांत हो गया था। अगर ध्यान से देखा जाए तो चिंगटियान के चारों तरफ 5 आग के गोले घूम रहे होते हैं। ये धीरे धीरे कंडेंस होकर उसके पैरों के नीचे एक मिस्टीरियस फ्लेम रून को बनाते हैं। आसमान में खड़ा चिंगटियान आंखें नैरो करके चिल्ला के बोलता है शेफू चलो इसे खत्म किया जाए। अभी शेफू के एक्सप्रेशन भी कुछ खास अच्छे नहीं होते, भले कल्टिवेशन का साथ उनके पास हो। अभी जब से चिंगटियान ने उस पिल का इस्तेमाल किया होता है शेफू को ऐसा लगता है कि सिचुएशन बदल गई है। ऑफकोर्स ये फ्लैशबैक की बात थी। अभी के सीन में आगे बढ़ रहा होता है वो अटैक जो कि जब पाइथन स्टाफ से बाहर आया था। ये बैंक की साउंड के साथ उस बैरियर से जाके टकराता है जिसे चिंगटियान के उस रून ने बनाया था। बहुत ही तेजी से वो 5 आग के गोले चिंगटियान के सर के करीब जाते हैं। ये उसके ऊपर फ्लोट करने लगे थे और इनके अंदर की मिस्टीरियस पावर जब पाइथन स्टाफ से बाहर आए उन दोनों पाइथन और ड्रैगन को अपनी तरफ खींचने लगती है। अपने अटैक्स को आउट ऑफ कंट्रोल जाते हुए देख शेफू का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। वो कहती है नॉट गुड। अपनी हाफ इमोर्टल स्टैंड के साथ भी उन्होंने ओल्ड मैन चिंगटियान को अंडर एस्टिमेट नहीं किया था। वो जानती थी कि चिंगटियान के पास कई इंसानी फाइटिंग टेक्निक्स की मास्टरी होगी। चिंगटियान रोर करके बोलता है इमूवेबल मिंकिंग फॉर्मेशन। वो अपने दोनों हाथों को पास में लाता है। चिंगटियान कहता है अनहाइलेट। अचानक से उसके पैरों के नीचे का बड़ा सा रून हल्की सी बूम की आवाज के साथ एकदम जलने लगता है। इसमें से इंटेंस लाइट इरप्ट हुई थी। ये फ्लेम तुरंत ही निगल लेती है उन ड्रैगन और पाइथन को। ये ड्रैगन और पाइथन दोनों स्ट्रगल करने लगते हैं। इस जंगे मैदान में इन बीस्ट की चीखों की आवाजें गूंजती हैं, क्योंकि शेफ इन दोनों अटैक से कनेक्टेड थी। इसकी बैकलैश पहुंचती है उनकी बॉडी के ऊपर।
और अचानक से उनके शरीर को कांपते हुए देखते हैं। अब शेफू को भी रियलाइज होता है कि चिंटियन के चारों तरफ फैल रही फ्लेम्स बिल्कुल आम नहीं है, इनमें डेफिनेटली एक डेडली फोर्स छिपी हुई है। आसमान में गूंजती है चिंटियन की आवाज। वो कहता है चलो इसे सेटल करते हैं। अपने सर के ऊपर घूम रहे उन पांच आके गोलों को छोड़ के वो लॉन्च हो जाता है शेफू की तरफ। ऐसा लगता है चिंटियन के पैरों की फोर्सेस ने स्पेस को ही पीछे ढकेल दिया हो। नेक्स्ट इंस्टेंट में शेफू के सामने अपीयर हुआ था जो कि खुद को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही होती है। बूम की आवाज के साथ शेफू का फिगर सीधा जमीन से जाके टकराता है। आसमान में खड़ा रह जाता है बस चिंटियन। कोई सांसें तो उसकी भी भारी थी। अभी ऐसा लग रहा होता है जैसे पूरा आसमान ही थम गया हो। सबकी नजरें होती है सोल्ड मैन चिंटियन के ऊपर जो कि सच में डोमिनेटिंग लग रहा होता है। नीचे गड्ढे में शेफू का फिगर जिनके हाथ में भी वो जाओ पाइथन स्टाफ होता है, वो अपने होठों से खून को पोंछते हैं। इस बुढ़िया की आंखें भी एकदम जहरीली हो चुकी होती हैं। ऐसा लगता है ये भी पागलपन में उतरने वाली है। जाओ पाइथन स्टाफ को आसमान की तरफ पॉइंट करके बोलती है एक्सप्लोड। शेफू के मुंह से शब्द बाहर ही आए थे तभी वो पाइथन और ड्रैगन जो कि उन पांच आके गोलों के बीच में स्ट्रगल कर रहे होते हैं वो अपने अंदर से एक इंटेंस लाइट को रेडिएट करते हैं। फिर इन दोनों की स्पिरिचुअल बॉडीज तरह स्वेल होने लगती है और जल्दी उन पांचों आके गोलों को भी ढक लेते हैं। फिर सभी को सुनाई देते हैं बूम 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 के साउंड्स। ये एनर्जी डेटोनेशन सच में अलग स्तर का था। वो पांच एनर्जी बॉल्स जो कि अभी तक दोनों को निगलने की कोशिश कर रही थी वे पूरी तरह से अस्थिर हो चुके थे। ऊपर आसमान में टिका चिंटियन भरोसा नहीं कर पाता कि एक मोमेंट पहले क्या हुआ। उसके चेहरे पे शॉक होता है और उसके मुंह से ग्रक की आवाज के साथ खून बाहर आता है। साफ तौर पर उन आग के गोलों के फटने की वजह से बैकलैश का सामना तो उसे भी करना पड़ा है। नीचे शेफू जिन्होंने दो तीन खून की उल्टियां करी थी वो तेजी से हंस रही होती है। ऐसा लगता है इस बुढ़िया के ऊपर किसी की आत्मा आ गई हो। शेफू कहती हा हा चिंटियन इस बार हम बराबरी पे आ गए। इस बैटल में दोनों ही पार्टीज को नुकसानों का सामना करना पड़ा था। चिंटियन के पैरों के नीचे का बड़ा सा रून जो कि एक्चुअल में एक फॉर्मेशन होती है वो शेफू गैडेक्स का सामना करने के लिए एक अच्छी काउंटरिंग टेक्निक थी। लेकिन शेफू ने जिस तरीके का पागलपन करके दिखाया चिंटियन ने इसे कभी इमेजिन नहीं किया होता। चिंटियन जो कि एक पागल बीच की तरह हो चुका होता है वो गुर्रा के बोलता है शेफू डैमेट। वो फिर से दोनों हाथों को ऊपर उठाता है लेकिन फिर से समय आ जाता है एक ट्विस्ट का क्योंकि जैसे उसके दोनों हाथ ऊपर उठे थे चिंटियन की आंखें नैरो होती हैं। वो मुड़ के देखता है लेफ्ट साइड में जहां से तेज हवा के चीरे जाने की आवाज सुनाई दे रही थी। दूर से कुछ लाइट्स फ्लिकर होती है और छोटे छोटे डॉट्स तुरंत ही बड़े हो जाते हैं। सबसे पहले अपीयर होता है एक डार्क स्किन्ड मैन जिसकी पैनी पैनी बीस्ट जैसी आंखें थी। इस व्यक्ति के शरीर में से फिरोशियस ऑरा रेडिएट हो रहा होता है। इस ओप्रेसिव ऑरा के सामने ऐसा लगता है जैसे चर्चों को झुकना होगा। इस फिगर को देख के चिंटियन दांती मीस के बोलते हैं मोबल। वो जानता था कि मोबल ब्लैक्स ने एक ट्राइब का लीडर है और इसकी स्ट्रेंथ है 9 स्टार 2D के 3 टर्न पे। अभी मोबल के पीछे खड़े होते हैं और भी कई फिगर्स जो कि टेरिफाइंग ऑरा को रेडिएट कर रहे थे। इनमें से कुछ की स्ट्रेंथ पीक 8 स्टार 2D लेवल पे पहुंच चुकी होती है। अभी चिंटियन का दिल बैठने लगा होता है। पूरी मेडुसा ट्राइब में अगर टेम्पल को छोड़ दिया जाए तो 9 ट्राइब्स में से 3 ट्राइब लीडर्स की स्ट्रेंथ होती है 9 स्टार 2D के ऊपर की। और सिचुएशन को देख के ऐसा लग रहा है जैसे 8 मेजर ट्राइब के लीडर्स यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हो। अच्छी बात है कि इनमें न्यूटोंग शामिल नहीं है जो कि खुद एक 9 स्टार 2D है। अगर इस ओवरवेलमिंग लाइनअप से उसकी लाइनअप को कंपेयर किया जाए तो वो बिल्कुल मामूली लगते हैं। और क्योंकि किंग्स वालिंग यीमो जैसे एक्सपर्ट्स इस मेडुसा टेम्पल के अंदर चले गए हैं, बाहर बची ड्रैगन लविंग लीजन में बस चिंटियन ही 9 स्टार 2D रह गया था। मेडुसा ट्राइब के पावरफुल एक्सपर्ट्स के सामने वो अब टिकने के काबिल नहीं रहा है। ड्रैगन लविंग लीजन के फैन्यू के एक्सप्रेशन भी डार्क हो चुके होते हैं। वो कहते हैं हमारी सिचुएशन बहुत खराब है, हमें वापस जाना होगा। इन सब की कंबाइंड सेन के सामने हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ ओल्ड स्नेक किंग जो कि अभी फैन्यू और जॉनमिंग के ग्रुप के बीच में थे ने अपनी सिचुएशन की चिंता नहीं होती। वो मोबल को देख के हंसने लगते हैं। ओल्ड स्नेक किंग बोलते मोबल तुम लेट हो गए। ये सुन के मोबल जिसकी त्वचा काले रंग की थी वो हंप करता है, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं कोल्ड स्नॉट। मोबल कहता है ओल्ड स्नेक तुम्हें जानते हो कि मेरी ट्राइब इस जगह से सबसे दूर है, इस वजह से हमें आने में देर हो गई है। लेकिन तुम जो कि एक 9 स्टार 2D एक्सपर्ट हो तुम्हें 8 स्टार 2D एक्सपर्ट्स को भी संभाल नहीं पा रहे हो, लगता है बुढ़ापा तुम्हारे सर पे चढ़ रहा है। ओल्ड स्नेक भी पीछे नहीं रहते, वो भी डिस्टेंस से भरी आवाज में कहते हैं हम मोबाइल क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि इन इंसानों से डील करना इतना आसान है, तुम्हें भी इन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये जोलियन रॉयल फैमिली के सबसे पावरफुल लीजन के मेंबर्स हैं, क्या तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है कि मैं तब से इनके साथ खेल रहा था। इससे पहले दोनों और भी आर्ग्यू कर पाते एक फीमेल लीडर आगे आती है। इसकी स्ट्रेंथ होती है 8 स्टार 2 एम्पर के पीक की। वो कहती है ठीक है बहुत हो गया। उसके इन कुछ शब्दों ने ही दोनों लीडर्स को शांत कर दिया होता है। वो फीमेल लीडर बोलती है चलो पहले इन घुसपैठियों से डील किया जाए, हमारी ट्राइब में इस तरीके से घुसपैठ करना ये इसकी कीमत अपनी मौत से चुका सकते हैं। तभी मोबल जो कि फाइट करने के लिए तैयार होता है उसकी नजरें बैटल फील्ड के एक दूसरे हिस्से पर जाती हैं। वहाँ पे 2 फिगर्स मौजूद थे। उसकी आवाज के साथ उसका फिगर गायब हो जाता है। अगली बार वो अपीयर होता है ब्लू एंड व्हाइट स्नेक के सामने। वो कहता है चिंग चिन। ब्लू एंड
एंड वाइटस्नेक साफ तौर पर इरिटेट थी। वो भौंय से घूर के बोलती, मोबल तुम क्या कर रहे हो, हम युद्ध के बीच में। ब्लू एंड वाइटस्नेक इरिटेशन को इग्नोर करके मोबल कहता है, तुम्हारे साथ क्या हुआ। वो सेंस कर पा रहा था कि ब्लू एंड वाइटस्नेक की फाउंडेशन कितनी ज्यादा डैमेज हो चुकी है। एक समय पे 5/10 9-star दोधी की स्ट्रेंथ अब सिर्फ नॉर्मल 9-star दोधी पर रह गई है। ब्लू एंड वाइटस्नेक अपने सिर को हिलाती है, वो कहती है कुछ नहीं, लेकिन मोबल मानने को तैयार नहीं था। वो कहता है कुछ नहीं, वो कहता है मुझे बताओ तुम्हारे साथ ही किसने किया। अब शाओकिंग यानी कि ब्लू एंड वाइटस्नेक को और सहा नहीं आता। वो दांती मीस के बोलती, मोबल तुम चुपचाप हो जाओ। मोबल कहता है मैं चुपचाप हो जाऊं, आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं, मैं जिस वुमन के बारे में इतना केयर करता हूं उसकी ऐसी हालत कर दी गई है। बूम की आवाज के साथ मोबल का ऑरा इरप्ट हुआ था। वो कहता है तुम्हारे साथ जिसने भी ये किया मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अभी ब्लू एंड वाइटस्नेक उसकी परवाह नहीं करती है। वो चिंगेन के हाथ को पकड़ के युद्ध के मैदान के किनारे की तरफ जाने लगी थी। अपने आप को इग्नोर होते हुए देख मोबल का गुस्सा और राइज हो जाता है। वो कहते हैं डैम ह्यूमंस, तो मैं इसकी कीमत चुकानी होगी। इस मौके को शेफू कैसे नहीं बनाती, वो चिंटियन को चढ़ाती हुई बोलती है, ओल्ड मैन चिंटियन लगता है इस बार हेवंस भी तुम्हारा साथ नहीं दे रहे हैं, मतलब यू आर फिनिश्ड। अभी चिंटियन गहरी सांसें ले रहा था, ये युद्ध उसके लिए भी बहुत ही थकाने वाला रहा है और ये उसके चेहरे के हैगर्ड एक्सप्रेशन से मालूम किया जा सकता है। वो अपने हाथ को वेव करके उन बचे हुए 3 स्पीयर्स को अपने शरीर में वापस बुला लेता है। चिंटियन कहता है रिट्रीट। तुरंत ही ड्रैगन लविंग लीजन के मेंबर्स फैन्यू, चिंगम्यू और बाकी के लोग भी ग्रेव एक्सप्रेशन के साथ उसके पीछे आ गए थे। वो जानते थे कि सिचुएशन पूरी तरह से चेंज हो चुकी है और अब मेड्यूसा ट्राइब के पास पूरा एडवांटेज है। दोनों साइड्स एक दूसरे को फेस करती हैं। हवा में एक अजब सा ही भारीपन होता है। चिंटियन ने अपनी आंखें बंद करी थी, अब जब उसकी आंखें अगली बार खुलती है तो इनमें एक डिटर्मिनेशन भर के आ गई होती है। वो कहता है भाइयों, ज़ुआलने रॉयल फैमिली में ड्रैगन लविंग लीजन बस एक सिंपली टाइटल नहीं है, इस वजह से हम फाइट करेंगे। जब स्नेक ट्राइब की ऐसी लाइनअप के सामने भी चिंटियन हार मानने को तैयार नहीं होता, ये देखिए ओल्ड स्नेक किंग की आंखें ट्विच होती हैं। वो कहते हैं फाइट करना चाहते हो चिंटियन, भले तुम दोधी के पीक पे पहुंच चुके हो लेकिन तुम्हारे पीछे मौजूद एक्सपर्ट्स की स्ट्रेंथ 9-star दोधी तक पहुंच नहीं पाई है। मुझे लगता है तुम इन दोनों रियल्म्स के बीच का गैप अच्छे से जानते होगे। तो मेडिसिन ट्राइब की तरफ दो होते 9-star दोधी से ऊपर लेवल के पावर हाउसेस और शेफू की हाफ इमॉर्टल की स्ट्रेंथ थी। जीत किसके पड़ले में जाएगी ये बात साफ थी। ओल्ड मैन चिंटियन जानता था कि ओल्ड स्नेकिंग इन शब्दों का इस्तेमाल करके उसके साथियों का कॉन्फिडेंस गिराना चाहता है। चिंटियन कहता है हम प्रिसाइसली, मुझे पता है कि दोनों रियल्म्स के बीच का गैप कितना बड़ा है, इसी वजह से मैं बैटल के लिए तैयार हूँ और ओल्ड स्नेकिंग तुम्हें मुझे प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है। ड्रैगन लविंग लीजन के कमांडर होते हुए मुझे न जाने कितने साल हो चुके हैं, अगर मुझे अपने ऊपर एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस नहीं होता तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा नहीं होता। ये सुनकर शेफू कहती है तुम अपने नाम चिमिंग के बिल्कुल वर्दी हो, लगता है अब भी तुम्हारे पास रिट्रीट करने के तरीके हैं, लेकिन चिंटियन तुम्हारे ग्रुप को हमारी ट्राइब ने चारों तरफ से घेर लिया है, तुम यहाँ से कैसे बच के जाओगे। चिंटियन हंस के बोलते हा 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 हा, ओल्ड वुमन शेफू लगता है बुढ़ापा तुम्हारे सर पे चढ़ रहा है, क्या मेरी चिंटियन की ड्रैगन लविंग लीजन की फाउंडेशन इतनी कमजोर है जिसे सिर्फ एक हाफ दो इमोर्टल पावर हाउस हिला सकता है। ये क्या कह, वो और भी तेजी से हंसने लगा था। उसके चारों तरफ का एटमोसफेयर क्योटिक होता जाता है। इसे सीन को देख के शेफू आंखें नैरो करके बोलती है फॉर्मेशन। तभी आती है चिंटियन के मुंह से आवाज, वो धाड़ के बोलते है ड्रैगन एडिक्शन। उसके पीछे खड़े हुए उसके साथी तुरंत ही नोट करते हैं, बिना हेजिटेशन के वो अपनी स्पेसिफिक पोजीशंस लेने लगते हैं। तुरंत ही शेफू को डेंजर फील हुआ था, वो चिल्ला के बोलते हैं रोको इन्हें। उनके हाथ में पाइथन स्टाफ सामने की हवा में स्लैश हो जाता है, एक टेरिफाइंग एनर्जी वेव आगे बढ़ जाती है। दूसरी तरफ ओल्ड स्नेक किंग जो कि इमिनेंट डेंजर को सेंस कर रहे थे, उन्होंने भी पावरफुल स्ट्राइक अनलीश कर दी होती है। स्विचिंग की आवाज के साथ 9 में से 8 ट्राइब के लीडर्स अपने अपने वेपन्स को घुमा चुके थे। ये सभी अटैक्स बढ़ते हैं चिंटियन के एलाइज की तरफ, लेकिन लगता है अब तक उसके साथी उस फॉर्मेशन के पॉइंट्स पे आ चुके होते हैं। चिंटियन कोल्ड स्माइल के साथ हैंडसेट को चेंज करता है। उसकी बॉडी में से रिलीज होते हैं 5 black and white एनर्जी ऑफ मतलब ऊर्जा के गोले, ऐसा लगता है भी जमीन कांपने लगी हो। इसी दिन मेड्यूसा क्लैन के लीडर्स की तरफ शूट हो गए थे। इनकी तरफ जो अटैक्स आ रहे होते हैं वो बैंग 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 की आवाज के साथ इन ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी ऑफ का रास्ता नहीं रोक पाते। इतनी तरफ वायरस गोले की ओवरवेलिंग पावर को सेंस करके ओल्ड स्नेकिंग दांती मीस के अपने सामने एक बैरियर बनाता है। न चाहते हुए भी चिंगटियन के ऊपर हमला करना उन्हें रोकना पड़ रहा था। वही बाकी के ट्राइब मेंबर्स की बॉय भी सिकुड़ गई होती है। ये सभी अटैक करने की जगह अपने आप को डिफेंड करने लगे थे। चिंटियन इस तरीके से रिएक्ट करेगा लगता है शेफू ने सोचा नहीं था। वो भी तुरंत रिवॉल्व करती है अपनी ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी को और ये लाइफ और डेथ का ऑरा अब्सॉर्ब हो जाता है स्टाफ में। फिर शेफू अपने हाथ की लकड़ी से हवा में 4-5 बार कट मारती है। ऐसा लगता है पूरे स्पेस और रियलिटी की फैब्रिक में ही 5 बड़े-बड़े स्लाइसेस हो गए हो। ये सीधा 5 चिंटियन के गोलों से टकराते हैं और सुनाई देती है फिर से बैंग बैंग की आवाज है। अभी आसमान वॉलेंट एक्सप्लोजन से भरा हुआ था। अभी ऊपर चमक तो ऐसी होती है कि इसे देखने से नॉर्मल इंसान की आंखें अंधी हो जाए। ये रेगिस्तान
तापमान जो कि पहले से सिजलिंग हॉट होता है अभी और भी अनबेरेबल हो गया था। जैसे एक्सप्लोजन्स की आवाजें और लाइट फीकी होती है, चैफू और बाकी लोग अपनी आंखें खोलते हैं। इनके एक्सप्रेशंस ग्रेव थे। तभी बूम की आवाज के साथ चिंटियन को सेंटर बना के एक मोटा सा एनर्जी पिलर ऊपर की तरफ शूट होता है। तुरंत इस एनर्जी पिलर में से दो पंजे बाहर आते हैं और दो पंजे नीचे अपीयर हुए थे। फिर एनर्जी बीम ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक ड्रैगन में। एक मैसिव फायरी ड्रैगन होता है। इसकी आंखों के कोर में दो पिल्स मौजूद थे और इसके पंजों को कंट्रोल कर रहे थे चिंटियन के कंपेनियंस। वहीं पर अगर बात करिए इसके कोर की तो वहां पे कोई चिंटियन मौजूद होता है जो जगह होती है इसके सीने में। ड्रैगन लविंग लीजन का एक मेंबर बोलता है, लीडर ईमो और जन्मो के गायब होने की वजह से हमारी ड्रैगन एडिक्शन फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। मुझे लगता है मेडिसा ट्राइब के 8 लीडर्स और उस हाफ दो इमोर्टल शेफू का सामना करने में हमें परेशानी हो सकती है। ये बात बिल्कुल सच थी। ये फॉर्मेशन सबसे पावरफुल तब होती है जब ड्रैगन लविंग लीजन के साथ साथ इसमें किंग ज्वेलिंग भी इंक्लूड होता है। वुडमैन चिंटियन जिसके दिमाग में कई विचार आ रहे होते हैं वो कहता है, मैं समझ गया हूँ, चिंता मत करो, मेरे पास खुद के प्लान्स हैं। ड्रैगन के पंजों के नीचे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस होती है जो कि फायरी हॉट फ्लेम्स को चारों तरफ फैला रही थी। इसे देख के ऐसा लगता है जैसे कोई फायर डीटी जमीन पर उतर आया हो। इस फॉर्मेशन को रोक न पाने की वजह से वो बुढ़िया शेफू अपनी दांती मीस लेती है। शेफू कहती है, डैम इट। तभी ओल्ड स्नेक किंग बोलते हैं, सीनियर शेफू, हम ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकते। चिंटियन के इस फॉर्मेशन के अंदर होने की वजह से उसे इंजर्ड करना मुश्किल होगा। भले शेफू की स्ट्रेंथ हाफ स्टेप दोशान लेवल पे हो तभी चिंटियन के इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए उन्हें काफी टाइम और एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और ये लग्जरी उनके पास थी नहीं। वो कहते हैं, अगर ये फॉर्मेशन से बात करना चाहते हैं तो चलो हम भी फॉर्मेशन से जवाब देते हैं। वो फटाक से अपनी स्टाफ को ऊपर भेज देती है और उनके शरीर से वो लाइफ और डेथ ऑरा भर भर के उस लकड़ी के अंदर जाने लगता है। परंतु शेफू का ऑरा वीक हो गया था। साफ तौर पर इस फॉर्मेशन को बनाना बिल्कुल आसान नहीं है। ओल्ड वुमन शेफू की आवाज गूंजती है, वो कहती है, इकट्ठे हो जाओ। ट्राइब्स के लीडर्स फॉर्मेशन को लेते हैं और इन सभी की बॉडी से 8 रे ऑफ लाइट सीधा उस स्टाफ के अंदर चली जाती है। बूम 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 की आवाज के साथ 9 चकाचौंध करने वाली एनर्जी बीम्स को देखते हैं जो कि स्नेक शेप्ड केन से मिल गई थी। कुछ ही मोमेंट्स में एक जिगेंटिक सोलिंग पाइथन जिसका आकार कई सौ मीटर होता है आसमान में मेटरलाइज हुआ था। उस पाइथन की लाल आंखों में एक अलग ही ओमनस ऑरा होता है और वो सीधा टिक जाती है चिंटियन के गोल्डन ड्रैगन किंग के ऊपर। तुरंत ही उस सांप ने आसमान की तरफ देखे तेजी से हिस किया था और साथ में रिलीज होता है एक डेडली किलिंग इंटेंट। जब उस ड्रैगन के कोर एरिया में से चिंटियन ऐसे सीन को देखता है उसके एक्सप्रेशन भी सीरियस हो जाते हैं। वो कहता है, सोलोइंग द स्काई। ये एबिलिटी मेडिसा क्लैन के किंग ब्लड सोलोइंग पाइथन से आती है। भले आसमान को घेरे हुए वो कलरलेस पाइथन अपने अंदर कुछ ज्यादा रंग नहीं दिखा रहा हो तब भी उसके ओवरवेलमिंग ऑरे की वजह से चिंटियन की रूह कांप रही थी। सीन जरा शिफ्ट हुआ था, हमें दिखाई जाते हैं जुलाओ जो कि युद्ध के मैदान के किसी कोने में छिपे हुए पूरी सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। जब उस जिगेंटिक पाइथन को देखते हैं जुलाओ के चेहरे पे भी सरप्राइज फ्लैश होता है। वो कहते हैं, हेवन सोलोइंग पाइथन फॉर्मेशन। कहा जाता है कि इसके पास आसमान को सोलो और जमीन को डिवोर करने की पावर होती है, लेकिन ये क्लेम कितना सच है ये तो अभी तक किसी ने नहीं जाना है। फिर उनकी नजरें जाती है चिंटियन के ड्रैगन के ऊपर। जुलाओ की आंखें श्रिंक हो जाती है। वो कहते हैं, ये कैसी ईरी प्रेजेंस है। सीन दिखाया गया था न्यूडोंग और सोल क्लैन के मेंबर के पास का। न्यूडोंग कहता है, क्या चिंटियन के पास गोस्ट वर्ल्ड की गोस्ट एनर्जी है। इसका रिप्लाई करता है वो सोल क्लैन का मेंबर। वो डिस्टेंस से भरी आवाज में कहते हैं, हाँ, ज्वेलिंग रॉयल फैमिली और सोलमन से कई सालों से कोलैबोरेट कर रहे हैं। इन्हें भी गोस्ट वर्ल्ड से कुछ तोहफे मिले होंगे लेकिन ये कुछ खास नहीं है। न्यूडोंग एक्साइटमेंट के साथ बोलते हैं, अगर ऐसी बात है तो माय लॉर्ड, मैं आपसे रिलाई करूंगा। भले वो चिंटियन के अंदर से गोस्ट एनर्जी को सेंस कर पा रहा हो लेकिन सोल क्लैन के इस मेंबर की बॉडी में से ओवरवेलिंग प्रेजेंस वो फील कर रहा था ये कुछ अलग ही होती है। वो सोल क्लैन का मेंबर अपनी आंखें बंद करने से पहले बोलता है, इसे ध्यान से देखो, ये हेवन सोलिंग फॉर्मेशन और ज्वेलिंग रॉयल फैमिली की ड्रैगन एडिक्शन फॉर्मेशन। मुझे लगता है ये बैटल अपने क्लाइमेक्स पे पहुंच चुकी है। ये सुन के न्यूडोंग और उसके सबॉर्डिनेट एकदम टेंस हो जाते हैं। वो जानते थे कि इस बैटल में चाहे कोई भी जीते लेकिन अगली बारी उनकी होगी। उनका युद्ध के मैदान में उतरना पक्का था। सीन शिफ्ट होता है ब्लड ब्लेड मछली ग्रुप की तरफ का। कायोटी टैंक टैंक से बोलता है, कैप्टन, जब तक दोनों साइड लड़ाई लड़ने में जुटी हुई है उन्हें अपने औरों को हाइड करके उस टेम्पल के करीब जाने की कोशिश करें। ये सुन के टैंक टैंक का ध्यान जाता है जियान के ग्रुप की तरफ। वो फाइनली एक इशारा करती है और उसका ग्रुप हवा में गायब हो जाता है। जैसे गायब होने का तो मेरा भी समय आ गया है क्योंकि मुझे देना है अपने गले को आराम वरना मैं परमानेंटली 2-4 दिन के लिए गायब हो जाऊंगा। ऑफ कोर्स अगर आप नेक्स्ट एपिसोड को जल्दी देखना चाहते हो तो शाम तक 6500 लाइक्स को कंप्लीट कर सकते हो। मैं वीडियो को जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट पार्ट में एंट्री मारने वाले जुलाओ और जुलने रॉयल फैमिली को शॉक मिलने वाला है। बेसिकली एक एक करके बाकी फोर्सेस एंट्री मार रही होंगी जिसमें सोलोमन सेट और सोल पावर का मेंबर भी शामिल होगा। सो बैटल्स अभी खत्म नहीं हुई है और इसलिए मुझे बैटल से ज्यादा स्टोरी के आगे
आगे बढ़ने मजा आता है, खासकर जब नई नई पावर्स को एक्वायर किया जा रहा हो। आपको किससे मजा आता है कमेंट्स में लिख के बताओ, जैसे मैं भी जान सकूं कि हमारे टेस्ट कितने मिलते हैं। वैसे डोंट वरी, अगर लाइक टारगेट कंप्लीट नहीं भी होता है तभी मैं अर्ली एक्सेस वीडियो को जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। अगर आप उसे एंजॉय करना चाहते हो तो हेल गार्डन की मेंबरशिप को चेकआउट कर सकते हो, ज्वाइन का बटन सब्सक्राइब के साइड में मिल जाएगा। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदाई, जाने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सो या पीस आउट।